नमस्कार। अभी जो आज हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए हैं और कई उपचुनाव हुए हैं, तो उन सब पर बात तो मैं करूंगा रात 9:30 बजे। लेकिन उससे ठीक पहले एक जरूरी बातचीत, और शायद इसलिए भी ये बात कर रहा हूं कि शायद इन चुनावों पर आपकी नजर नहीं गई होगी, और चूंकि टेलीविजन चैनल पर या जहां भी आप देख रहे होंगे तो सारी खबर कि हरियाणा में सरकार बीजेपी बना पाएगी या फिर हुड्डा जी कमाल कर देंगे, महाराष्ट्र में क्या होगा, शिवसेना कितना बार्गेन करेगी, यही सब बातचीत हो रही है। लेकिन एक और चुनाव आज देश में हुआ है और उसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि उससे बहुत सी चीजें तय होने वाली है, और तय होने वाली क्या है, तय हुई भी है। और वैसा ही ये वो चुनाव है कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर में आज वहां जो बीडीसी के चुनाव होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, यानी पंचायत की अगर बात करें तो उस पंचायती व्यवस्था में जो विकास खंड ब्लॉक जिसे हम लोग बोलते हैं, ब्लॉक प्रमुख जो होता है, तो वो एक चुनाव है। तो बीडीसी का जो चुनाव है वो आज हुआ है, और वहां से बड़ी सुखद खबर है, इसलिए मैंने कहा कि ये खबर आप लोगों को पता चलती रहे। क्योंकि वैसे तो कश्मीर से आतंकवाद और गोली चली कि नहीं चली, इंटरनेट अभी शुरू हुआ कि नहीं हुआ, क्या प्रतिबंध है, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। लेकिन ये भी एक खबर है और ये जरूरी खबर है। हालांकि मैं पहले ही बता दूं कि इसका लगभग सभी राजनीतिक दल, जब मैं लगभग सभी कह रहा हूं तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, यानी इन तीनों की जो गुलाम नबी आजाद, अब्दुल्ला और मुफ्ती, इनकी जो पार्टियां हैं, इन्होंने इसका बायकॉट किया है। और वो बायकॉट के पीछे वजह थी, इन्होंने कहा कि चूंकि आपने हमें नजरबंद करके रखा था उस दौरान, और इसलिए जो है हम इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए जो चुनाव हुए हैं उसमें ज्यादातर जो कहें कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है और दूसरी कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं, उसके अलावा निर्दलीय बहुत हैं। हालांकि मेरी अभी श्रीनगर में एक पत्रकार से बात हुई, तो उनसे मैंने पूछा कि इसको आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको मैं एक बहुत अच्छे संकेत के तौर पर देखता हूं, और इतना थ्रेट था, इतनी कहें कि मुश्किलें थी, उसके बावजूद जिस तरह से पंच और चूंकि ये आम जनता वोट डालती नहीं है, ये जो मतदाता होते हैं उसके, ये होते हैं जो पंच और सरपंच, तो वो मत डालते हैं। लेकिन उनके लिए तो और बड़ा थ्रेट परसेप्शन था, क्योंकि आतंकवादियों के निशाने पे वो आसानी से आते, और आम जनता को तो फिर भी उस तरह से, लेकिन इनको तो चिन्हित बहुत आसानी से किया जा सकता है। और उन चुनावों में आज जो कुल मत प्रतिशत रहा है वो चौंकाने वाला है, वो आप सुनेंगे तो आपको हैरानी भी होगी, 98.3, ये कुल मत प्रतिशत रहा है जो अगर पूरे जम्मू और कश्मीर की सभी जो विकास खंड है, ब्लॉक डेवलपमेंट है, उसकी बात करें अगर, और ये कुल 310 ब्लॉक हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में। जो प्रत्याशी थे वो थे 1092, और इसमें से 27 वो जो है वो बिना किसी विरोध के वो निर्वाचित हो गए, यानी इनके सामने कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं हुआ। अब इसको आप ऐसे मत देखिए कि जम्मू कश्मीर है तो कोई खड़ा नहीं हुआ, ये अलग अलग राज्यों में भी होता है कि पंचायत के चुनावों में लोग नहीं खड़े होते हैं और सीधे चुन लिए जाते हैं। कुल मतदाता कितने थे तो 26,629, और उसमें से महिला मतदाता यानी पंच सरपंच इतनी चुनी गई है 8,313, और पुरुष 18,316। तो ये है। और अगर सबसे ज्यादा बात करें कि कहां बीडीसी के चुनाव में किस जिले से सबसे ज्यादा लोग रहे, तो वो जो जिला है वो जिला है कुपवाड़ा, 101 प्रत्याशी वहां मैदान में थे, और शोपियां में सबसे कम रहे, सिर्फ 4 प्रत्याशी थे। तो ये है मोटा मोटा वहां का, अगर कहें जो बड़े आंकड़े हैं। और एक थोड़ा सा निराशाजनक बात रही, और या कहें कि मतलब बैड टेस्ट में है, कि जो महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें थी वहां कोई कैंडिडेट नहीं मिला, ये थोड़ा सा कहें कि अच्छी बात नहीं थी। और उसके अलावा अगर हम कहें तो अनंतनाग की अगर बात कर ले तो 90.5, यानी 100 अगर पंच सरपंच थे तो उसमें 90 से ज्यादा आए। बांदीपुरा में 97 से ज्यादा लोग आए। बारामूला में यहां भी 97 से ज्यादा लोग आए 100 में से। बडगाम 94.9, यानी 95 लोग 100 में से आए।
डोडा 99.2 यानी लगभग पूरे के पूरे पंच सरपंच मत डालने आए, गांधेरबल 95.1, जम्मू 99.5, करगिल 98.3, कठुआ बहुत चर्चा में रहा अलग अलग वजहों से, अभी उसकी अलग अलग चीजें भी आई हैं, उसमें एसआईटी जो थी उस पर भी कोर्ट ने कहें कि एफआईआर के आदेश दे दिए हैं, उनकी भी अब जांच होगी, तो कठुआ में 99.4, किश्तवाड़ 99.5, कुलगाम 93.9, कुपवाड़ा 95.9, लेह 97.3, अभी वहां ठंड बहुत बढ़ने लगी है, पुंछ 99.3, पुलवामा जो आतंकवादी घटनाओं की वजह से बहुत ज्यादा कहें कि गलत वजहों से चर्चा बना, वहां 86.2। अब इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो धमकी थी आतंकवादियों की, जो डराया गया था, वो कितना ज्यादा रहा होगा। राजौरी 99.5, रामबन में 99.2, रियासी ये जिला अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं तो कटरा से ऊपर, तो कटरा रियासी में ही आता है, कटरा से ऊपर जाएंगे पूरा रियासी जिला ही 99.7, सांबा 99.6, शोपियां 85.3, यहां भी थोड़ा सा, श्रीनगर में सारे के सारे पंच और सरपंचों ने आके मतदान किया, जो लोग श्रीनगर से कहते हैं कि एकदम कोई स्थिति सामान्य नहीं है। उधमपुर 99.4। अब ये जो मतदान है, इसको मैंने इसीलिए इस पे ये जो वीडियो मैंने बनाया है उसके पीछे वजह यही कि मुझे लगा कि हरियाणा महाराष्ट्र उपचुनाव ये सब बातचीत तो होती रहेगी, ये तो खूब हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर बातचीत जिस तरह से होती है और जिसमें जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश होती है उसको ये बहुत करारा जवाब है। जो एक फर्जी नैरेटिव खड़ा होता है कि कश्मीर में तो हालात बहुत खराब हैं, ये है वो है वहां की जनता, तो ये पंच सरपंच चुने गए हैं और ये सारे के सारे, और एक छोटी मोटी संख्या नहीं है, 26,629 है, इसमें 8,313 महिलाएं हैं। अब अगर इसमें से 98.3% लोग वो जाकर मत डालकर आ रहे हैं तो आप समझिए कि लोकतंत्र वहां कितना वाइब्रेंट है, कितनी ठीक स्थिति में है। और आतंकवादी लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बहुत जाने लेकिन लेने की कोशिश की है वहां के दुकानदारों की, जो दुकानदार दुकान खोल रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों को सेब लेके जो आने जाने वाले लोग हैं उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पेटियों में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश, सेब पर नारे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। 11 दिनों में 3 ट्रक ड्राइवरों पर हमला हो चुका है, तो ये सब काम हो रहा है, बिहार पंजाब के वर्करों पर जो भी नॉन कश्मीरी है उन पर हमला करना, तो ये सब हो रहा है। लेकिन उसके बीच में ये बेहद सुखद खबर है और ये बताती है कि जम्मू कश्मीर के असल हालात क्या है, क्योंकि वो आपको मतलब कमाल की बात यह है कि देश में जो लोग कहते हैं कि हम बहुत सिर्फ इसलिए कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है और अमित शाह भी देश के गृहमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए वो जम्मू कश्मीर पर भी ठीक से बात नहीं करते हैं, उसकी ईमानदार रिपोर्ट नहीं देते हैं। और मैंने पहले भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है श्रीनगर की रिपोर्ट जो अनकट वीडियो है, 1.5 लाख से ज्यादा लोग उसे देख चुके हैं, जो अनकट वीडियो है श्रीनगर का करीब 11-12 मिनट का, आप भी जाकर उसे देख सकते हैं। और वो कब का है, 11 सितंबर का है, मुहर्रम के ठीक दूसरे दिन का है। मैंने वहां जो कहें कि गुपकर रोड से लेकर और डल लेक होते हुए फिर मैं डाउन टाउन में गया था, भगवानपुरा लालबाग उस इलाके में, तो वो सब कुछ दिखा देता है, पूरा जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी और सब कुछ है वहां। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव खराब करने की कोशिश हो रही है, ये क्यों हो रही है? मतलब आपका अगर ठीक है विरोध है, आप करिए, 370 निश्चित तौर पर चाहे जो कोई कहे, लेकिन 370 को हटना चाहिए था क्योंकि देश के लिए जरूरी था। और उसमें सबसे बड़ी जो बात है कि एक बफर स्टेट आप नहीं रख सकते हैं, खास करके सीमावर्ती राज्य में, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चीज थी। और अभी जो ये पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के बाद ये पंचायत में एक और जो स्तर होता है ब्लॉक का, विकास खंड का, उसके चुनाव, और उन चुनावों में पंच और सरपंच, उसमें महिला भी पंच सरपंच हैं, उनकी जो मतदान की जो कहें कि वो जो जिस तरह से पहुंचे हैं धमकियों के बाद, थ्रेट जो था उसके बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए, इसका मतलब ये है कि कश्मीरी जो है वो सामान्य हालात जल्दी से जल्दी करने की कोशिश में लगा हुआ है, आतंकवादियों अलगाववादियों की लाख कोशिशों के बावजूद। अच्छा होता कि इसमें अगर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी गुलाम नबी आजाद, कश्मीर में गुलाम नबी आजाद की ही पार्टी मान लीजिए आप, सो जो गुलाम नबी आजाद की
और अब्दुल्ला की पार्टी और मुफ्ती की पार्टी, ये लोग भी इसमें शामिल होते और थोड़ा सा लोकतंत्र बेहतर होता। हालांकि एक बात मैं बताऊं, जो श्रीनगर से पत्रकार से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इन सब पार्टियों ने अपने प्रॉक्सी खड़े किए थे, सीधे नहीं खड़े किए, सीधे तो बायकॉट कर दिया, लेकिन प्रॉक्सी खड़े किए थे जिससे कि इनका आधार बचा रहे। लेकिन ज्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत कर आए हैं, इनके प्रॉक्सी कम जीते हैं, हालांकि 40% इनके प्रॉक्सी भी जीते हैं इन तीनों पार्टियों के। तो ये एक जरूरी खबर थी, मैंने कहा कि 9:30 बजे मैं आप लोगों से लाइव बात करूंगा हरियाणा महाराष्ट्र और उस सब पर, वो तो सामान्य चर्चा दिन भर हुई है तो उसमें बात करेंगे कि क्या हुआ, उसके आगे के क्या कहकर रास्ता किधर दिख रहा है, लेकिन ये एक जरूरी बात थी इसलिए मैंने आपसे बातचीत करना बहुत जरूरी समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।